मिला और मैं इसमें विश्वास किया हूँ और विश्वास करूंगा और अभी मैं इसमें फुल टाइम से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो अभी अभी आए थे एक से एक विभाग लीडर, आप लोगों को वेलकम परिचय डॉक्टर मैम बता रहे थे, तो इन तीनों लीडरों के लिए जोर लगा है जानकारी देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर लिखा है गिव मी यूनिक अपॉर्चुनिटी, इस काम को अगर करते हैं तीन जबरदस्त फायदा मिलता है। पहला फायदा है परचेज यूनिक पैकेज टू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड मेक देयर बिजनेस। इस काम डेढ़ सौ से एक बार खरीदारी करते हैं तो पैसा के बदले आपको सामान मिलेगा और साथ में बिजनेस करने का दिल मिलेगा। दूसरा है शुरू बी अर्न टू बी अवेल टू अर्न अप्रोच रुपीज 12 लाख पर मंथ जस्ट ऑन यार इफ यू फॉलो द सिस्टम। अगर इस काम से 100 को कर लेते हैं 4 साल मिनिमम 4 साल तो महीना में 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। और लेकिन उसका सिस्टम है, सिस्टम अगर फॉलो करेंगे तो सिस्टम का उदाहरण देते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किस पर चलती है? पटरी पर। अगर उसको जमीन पर चलाएं तो चलेगी? इसी प्रकार सिस्टम है, सिस्टम का एक और है उसे तीसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेशन टू जनरेशन इनकम। इस काम को अगर 3 से 4 साल कर सकते हैं, कर लेते हैं संघर्ष से मेहनत से, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक सुरक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी आपको 3 पीढ़ी तक फायदा मिलेगा। अगर आप लोग अगर अच्छा तरीका समझ गए तो सबसे बेसिक इसमें ज्यादा मतलब गौर कीजिएगा 3 पीढ़ी तक। हम लोग का आजा बता आज तक कोई ऐसा काम किए 3 पीढ़ी तक फायदा मिलता है? जो हम लोग 3 पीढ़ी तक फायदा दिला सकता है लेकिन सिस्टम से काम करेंगे। आगे है ग्रुप सिस्टम, इसमें ग्रुप सिस्टम इसका सिस्टम है ABC। सेल तो कहती है आओ बनो करोड़पति, ए का मतलब है प्रेजेंटेशन हो जिस प्रकार के चल रहा है और बी का होता है फ्रेशर व्यक्ति जिसे कि नए लोग हैं और सी का होता है 15 से 20 लोग जो नए लोग का निर्माण। तो इसमें काम करना है ए का मतलब होता है प्रेजेंटेशन हो तो बी का फ्रेशर बी का मेहमान जो 15 से 20 है उसको समय है तो इनके पास समय है तो प्रेजेंटेशन हो बैठा दीजिए, अगर नहीं समय है तो हम जिसे अप्लाइनों को लेकर उनके साथ मिला दीजिए। इसमें मिलने और मिलाने का आज से चल रहा है कि पॉलिस चल रहा है लेकिन इसमें काम कीजिएगा मिलने मिलाने काम कीजिएगा तो जनरेशन ही बनेगा और पैसा भी बनेगा। इसमें है इनकम जनरेशन, जैसे कि इसको अच्छा तरीका समझ गए करना चाहते हैं तो मेहनत से लगन से विश्वास से